हेलो फ्रेंड्स यार, ये जूते लिए थे मैंने वुडलैंड के 6,000 के अमृतसर से शोरूम से। बिल्कुल ब्रांडेड हैं, कंपनी के हैं, कोई फेक नहीं है कि शोरूम से लिए हैं। बिल मेरे पास इनका पक्का है, तो इसका मैं अभी रिव्यू दे रहा हूँ। 2 महीने के बाद इसकी कंडीशन, इनकी सर्विस और क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, ये शूज़ के नीचे आ जाते हैं सोल पे। ये आ गया सोल। इसके ऑरेंज वाले कैप्स आप देख सकते हैं, ये सब निकल गए हैं। ये पूरा ही गैप हो गया। देखिए ये इनके कैप्स जो है ये निकल रहे हैं। ये देखो ऐसे, ये देखो ये सब कैप्स निकलने शुरू हो गए हैं और इसका सोल टूटना शुरू हो गया है। ये देखो आप, ये सोल टूटा है। आप ध्यान से देखो, ये कोई तीखी चीज़ से नहीं टूटा, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। अगर तीखी चीज़ से कुछ कट वजा हो तो चलो हम मानते हैं अपनी गलती है, लेकिन ये तीखा नहीं है, कुछ तीखा इसको कुछ नहीं लगा, वैसे टूटा हुआ है ना वेट आने की वजह से। और उसके बाद इसका ये आप सोल देख सकते हो, ये देखो ये यहाँ से पूरा फ्लैट हो गया, पूरा घिस गया। और ये देखो ये पूरा घिस गया सोल। उसके बाद ये आ जाते हैं आगे, ये इसका लोगो है, ये देखो ये लोगो गया। उसके बाद ये देखो, यहाँ से सिलाई निकलनी शुरू हो गई है ये वाले जूते की। ये देखो सिलाई निकल रही है पूरी। ये शू मैंने, ये देखो इसकी सिलाई। तो इस शूज़ की 3 महीने की गारंटी वारंटी जो भी आती है वो थी, तो मैंने इसको इनके पास रिपेयर के लिए भेजा कि इसका सलूशन करके दीजिए। तो कंपनी ने मुझे, शोरूम वालों ने रिसीव कर लिया, मुझे रिसीव दे दी। और लगभग 1 महीना और 20-22 दिन के बाद, वो भी बार बार कॉल करने के बाद, मेल करने के बाद, फिर वहाँ से मेरे को शूज़ वापस आता है 1 महीना 20-22 दिन के बाद शूज़ वापस आता है। तो ये रीज़न देते हैं कि ये रफ़ यूज़ हुआ हुआ है, तब टूटा है, इसकी वारंटी नहीं मिलेगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप खुद ही बताओ यार, 6,000 के शूज़ और 2 महीने में एक इतना कंडीशन इसका ख़राब हो गया। मैं इतना टाइम से वुडलैंड के शूज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, कभी जूता टूटा ही नहीं, पहली बात हो। तो वारंटी वाले तो सवाल ही नहीं आता ना। तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ और मैं वारंटी के लिए मैंने भेजा, तो वो भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो आप अगर कोई भी शूज़ लेते हो, कोई भी लेता है, सोच समझ के लेना। वुडलैंड की वो वाली क्वालिटी नहीं रही जो पहले होती थी। एक पहले नाम होता था वुडलैंड का, वो नहीं है, ख़त्म हो गया इस टाइम। आप इससे अच्छा आप रिलैक्सो या बाटा का शूज़ ले लोगे ना, ये लोकल मार्केट से ले लोगे, वो आपका ज़्यादा चलेगा। 1200 वाला शूज़, 6,000 का शूज़ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना पैसा बर्बाद करोगे। और उसके बाद आपको ये क्वालिटी मिल रही है वुडलैंड की तरफ से। इनको मेल किया तो इन्होंने, जो इनकी कस्टमर केयर पे मेल किया, उन्होंने यही बोला कि वो आया था शूज़ लेकिन वो यूज़ गलत हुआ था। मेरे को आप बताओ यार, 2 महीने में कितना इसको नॉर्मल यूज़ में बंदा कितना रफ़ यूज़ कर लेगा? नॉर्मल यूज़ में, रेगुलर यूज़ में आप डाल रहे हो शूज़ को, है ना। इसकी आप कंडीशन देख लो शूज़ की, ऊपर से कुछ है बिल्कुल कंडीशन। अगर रफ़ यूज़ हुआ था, अगर मैं इसको रफ़ यूज़ होता तो इसकी कंडीशन कैसी होती? आप खुद समझदार हो, देखो आप शूज़ की कंडीशन देखो, ये देखो। तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये वुडलैंड के शूज़ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और इनसे बचो और इसकी जगह और कोई ले लो, लोकल ब्रांड ले लो, कॉपी वाला शूज़ ले लो, वो ठीक है। ओरिजिनल पे इतना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं सोच रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करने की, अब मैं वो ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे को भी सही नहीं लगा। इन्होंने ऐसा सर्विस दिया और ऐसा आगे से मेरे को रिस्पॉन्स दिया, वो भी 1.5 महीना 1.5 महीना 2 महीना शूज़ अपने पास रखने के बाद,
अपना ये चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इतना पैसा खर्चने के बाद यार। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।